नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास वीडियो में। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से बात करेंगे श्रद्धा वालकर के केस की। बता दें कि श्रद्धा वालकर केस में जो आरोपी है आफताब अमीन पूनावाला, अब उसका एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। अब तक जो हर किसी की नजरों से नजरें मिलाकर सवाल के जवाब दे रहा था, अब उसे सजा का डर सता रहा है। बता दें कि बीते 16 दिसंबर को आफताब ने साकेत कोर्ट में जमानत याचिका दर्ज की थी। अब यहां पर कोर्ट में आखिरकार पेशी को क्यों रद्द कर दिया गया, इस पर अब आफताब के वकील MS खान का बड़ा बयान सामने आया। पेशी को लेकर जो कहा सो कहा, लेकिन यहां पर आफताब की सजा और साथ ही श्रद्धा की DNA रिपोर्ट को लेकर एक ऐसा बड़ा बयान दे दिया है जिसके बाद आम जनता का गुस्सा एक बार फिर से भड़कता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले आप जरा वो बयान सुन लीजिए कि आखिरकार क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं आफताब के वकील MS खान। पार्टी प्रोसिक्यूशन के साइड से भी आए थे, लेकिन उसमें आफताब की तरफ से ये एक मैसेज आया जज साहब को, क्योंकि बेल एप्लीकेशन फाइल करके उसके बाद वकील साहब जो है उनसे मैं मिलना चाहता हूँ बहस से पहले, तो वो अपनी बात कुछ कहना चाहता है, जिससे मुझे बुलाया गया है कि मैं जेल जाऊँ उससे मिलूँ। मंडे को मैं जेल जाऊँगा उससे मिलके, उसके बाद 22 तारीख को बहस करूँगा। तो सर, आज के लिए जब ये मैटर डिसाइड हुआ था तो आपने क्या वकालतनामे पे आफताब के सिग्नेचर वगैरह लिए थे, या उससे पहले उसकी नॉलेज में था कि आज उसकी तरफ से आप पेश होंगे? वकालतनामा ना तो कोई इशू नहीं, मैं उसका वकील हूँ भाई। हाँ, वकालतनामा साइन है, उस पर उसके अंगूठे लगे हुए हैं, उसके साइन है, जेल अथॉरिटी डिप्टी सुपरिटेंडेंट के साइन है। ये कन्फ्यूज़न इसलिए हुई है, सवाल मैंने इसलिए करा क्योंकि आप तो खुद कोर्ट में मौजूद थे। अदालत में जो है मजिस्ट्रेट साहब की तरफ से ये कहा गया कि जेल अथॉरिटी से उनको एक ईमेल आया है जिसमें ये कहा गया है कि उसकी तरफ से कोई वकील नहीं किया। ये बात आप कहाँ से, ये बात तोड़ के, आप ऐसी बात नहीं है। ये बात आई कि बहस से पहले वकील साहब से मैं मिलना चाहता हूं, इस वजह से मिलने के बाद बहस को रखा जाए, तो इसीलिए जज साहब ने मंडे के टाइम ये करा है कि मंडे को ये मिलने के लिए जाएंगे और 22 को आर्गुमेंट्स होंगे। जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है, पूरे देश में इस मामले की काफ़ी चर्चा रही है, कहीं ना कहीं लोगों की जो है सहानुभूति भी है इस पूरे मैटर में श्रद्धा के परिवार को लेकर, तो आप किस आधार पर जो है बेल के क्या ग्राउंड रहेंगे आप? जो बेल का ग्राउंड तो जी सर, इसमें पुलिस ने दावा किया है कि जो DNA सैंपल्स वगैरह भेजे गए थे वो सब भी मिलान हो गया है, तो कहीं ना कहीं ये सारी जो रिकवरी हुई है हड्डियों की भी, वो आफताब की ही निशानदेही पे हुई है, तो इसमें क्या बसता है जो आप बेल का ग्राउंड? वो तो DNA की जो मिलान हुआ है और जो रिपोर्ट, तो यहाँ पर देखा कि किस तरह से MS खान साफ तौर पर कह रहे हैं कि पेशी से पहले DNA रिपोर्ट जैसे सबूत उड़ जाएंगे। क्या वो यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आफताब को वो बचा लेंगे? एक ऐसा शातिर अपराधी आखिरकार किस बिना पर उनके वकील ये दावा कर रहे हैं कि आफताब को बेल मिल जाएगी, और आफताब को बेल मिलनी चाहिए या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। आज के लिए इस खास खबर पर इतना ही, बाकी श्रद्धा वालकर के केस से जुड़ा हर अपडेट जानने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइफ। Wow.